Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. के प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला? I don't agree to it. आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक MP खड़े हुए थे बोलने के लिए. खड़े हुए थे ये मोदी डॉक्यूमेंट्री बोला I do not agree to it. काम खत्म. The Prime Minister of, an acting Prime Minister of United Kingdom. Who funds BBC, because it's a government-funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever all these allegations. मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है. माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है. सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया. महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए. महंगाई के मारों के लिए मिनी बजट का बम. IMF की शरायत पर इम्पोर्टेड हुकूमत घुटनों के बल. दोस्त ममालिक का भी बगैर शराइत के पैसे देने से इनकार. मुल्क को कहां पहुंचा दिया है. मुल्क में एक महीने का हाई स्पीड डीजल और 18 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया. हजारों कंटेनर बंदरगाह पर फंसे हुए हैं. कल सनतकारों ने अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां ब्रीफ केस में रख कर गवर्नर स्टेट बैंक को पेश कर दी थी. आप बिल्कुल आप सीरियस नहीं है. आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती. आपका कोई लॉबी फर्म नहीं. बिजली का बिल दे जाता है तो किराया खत्म हो जाता है. बच्चों की ट्यूशन फीस देता है तो दूध के पैसे नहीं होते. दूध के पैसे दे ले तो दवाइयों के पैसे नहीं. ये चोरों का मुल्क है. ये करप्ट मुल्क है. यहाँ किसी कोई महफूज नहीं है. ये दहशतगर्दी का शिकार. सुमित भाई, ये BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वॉज बिहाइंड ऑल दैट. इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है BBC का जो अभी तक जा नहीं रहा. हाउ डू यू सी दिस? और बल्कि मैं देख रहा था इंडियन सरकार भी, फॉरेन ऑफिस भी, बागची साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस स्टोरी को बाय भी करते हैं. आप समझते हैं कि जो सरकार ने बात की है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, बायस है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल? कुछ लोग अब भी इंपीरियल हैंगओवर में रहते हैं. आप जानते हैं हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर है. तो वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने, लोगों को हैंगओवर रहता है. ये इंपीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए. द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते हैं. कॉमनवेल्थ वहाँ लेना एक ना देना तो कॉमन है नहीं, कुछ वेल्थ बांट रहे हैं, वो चीज़ें चल रही है. अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इंपीरियल हैंगओवर, और एक कॉलोनियल ये कॉमनवेल्थ का जो ख्वाब है, जो एक इल्यूजन है, जो मिराज है, उस दुनिया में जो रहते हैं वो थोड़ा वक्त से पीछे चलते हैं. अब कुछ चीज़ों पर बात करें फैक्ट्स पे. अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना, जब वो जैक स्ट्रॉ फिर ऑफिस वगैरह में था तब रिलीज करते. जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, SIT ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया. जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया. जब कांग्रेस के टाइम 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी तब क्लीन चिट मिला. सब चीज़ों का फैसला हो गया. जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई तब BBC जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे. देखिए BBC का TRP नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है. अब ऐसी चीज़ें TRP के लिए थोड़ा फ़ायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे. अब वैसे भी BBC की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें. मतलब अब BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मैं तो कहता हूँ BBSC ब्रिटिश BS कॉरपोरेशन. तो ऐसे तो उनकी हालत हो गई आज के डेट में. अब चीमा सर, मतलब आपके कहने का मतलब है, BBC के कहने का मतलब है, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र could not find what to, for 22 years, what 2 correspondents went to ground and they cooked up something and they could find. And who gave them that jurisdiction? Who gave them that authority? Unka loki kya? Unki aukaat kya? Unka matlab kya?
ऐसे जो, अच्छा मैंने भी एक झुंझुना देखा है, मुझे लगा मैं आपको बताऊं, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना है, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना है, तो बीबीसी को मैं काम देता हूँ, बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का उसका इन्वेस्टिगेशन करें, ये तो तुम्हारे लंबे वाल वाला चर्चिल है, ही इज इक्वल और मोर ब्लड देन माओ ज़ेडुंग एंड हिटलर ऑन हिज हैंड्स, क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा, कुछ 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस. फिर मैं चीमा साहब पे आता हूँ, उस पर जलियांवाला बाग, सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहाँ, तो और कहा था मैं तोप ले जाऊँगा अंदर, मैं ले नहीं पाया. उसके बाद आप देखिए जब ग्रेट बंगाल फेमिन में जब सेकेंड राउंड आया तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसने थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया, हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया. जब इसको बोला तो नहीं बाहर भेजिए, डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स इज ओके. आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता, चीज़ें बनानी उस पर बनाई ना, चीज़ें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ. ये जो कह रहे हो ना 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पर बनाइए. ये जो $45 ट्रिलियन यहाँ से लूट गए थे, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पर अपने लोगों को बताओ. और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ, ये हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था, और आज वी हैव टेकन यू एज द 5th largest economy बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन GDP ऑफ पाकिस्तान, उस पर पिक्चर बनाओ, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ. डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस पर बनाओ कि 21% लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहाँ पहुँच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहाँ से पहुँच गए, आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुमसे ज़्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज़्यादा कैसे. पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया वहीं, तो आपसे कम्पीट करें रॉकेट फटने में. तो ये जो चीज़ें हो रही इस पर कम्पीट करें ना, और $45 ट्रिलियन इज इक्वल टू 50% ऑफ ग्लोबल GDP. वी आर एट 25-30-33% ऑफ GDP, जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए. ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए. और लोग सच कहते हैं द लंडन वॉज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंडन, लंडन वॉज नेवर बिल्ड ऑन स्वेट एंड मनी. चीमा साहब जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते. यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे घड़े मुर्दे खड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे. की मुईशत का बुरा हाल है, पहिया जाम हो गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपकी इंपोर्ट जो है वो बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गई, लोगों की एलसियां खुल नहीं रही, महंगाई का एक तूफान है. ये ऐसी बात नहीं है कभी मैं कोई सियासी बात कर रहा हूँ, ये हर आदमी, कोई बड़ा है छोटा है, गरीब आदमी है अमीर आदमी है, काश्तकार है मजदूर है, बुरी तरह मुतासर है, कोई शक नहीं. और ये सब किस लिए हो रहा है कि यहाँ इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है. सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाजम व मजलूम है. तो इसमें यही है कि आप अवाम के अंदर जाएं, सेल्फ मैंडेट लें, अवाम की मंगों के मुताबिक एक साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए एक नतीजा आए और फिर मुल्क आगे बढ़े. ये चूं चूं का मुरब्बा है तेरा.